पहले सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा, फिर लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को अब एक और झटका लगा है। राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। लोकसभा हाउसिंग कमेटी के जारी किए गए नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगले को खाली करना होगा। लोकसभा के हाउसिंग कमेटी के नोटिस के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन के 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है। आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को मोदी सरनेम से संबंधित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद आज राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब राहुल गांधी का नया ठिकाना कहां होगा। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकारी बंगला छिन जाने के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके सरकारी बंगले में रह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास अब तक अपना कोई घर नहीं है, जिसका जिक्र वो 27 फरवरी को रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में भी कर चुके हैं। मैं छोटा सा था, 1977 की बात है, चुनाव आया, मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था, 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था, मैं मां के पास गया, बैठी हुई है, इधर नहीं देख रही है, मां के पास गया, मैंने मां से पूछा मम्मी क्या हुआ, और मां कहती है हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था, तो मैंने मां से पूछा मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं, और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है, और हम अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा मां कहां जाना है, कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है, मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था, बावन साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है, और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है।